हेलो, मैं प्रोफेसर जेपी यादव। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी कोर्स के जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ पे एक टॉपिक मैं लेना चाहूँगा, जेनेटिक वेरिएशन। इसके बारे में जितना हम लोग बातें करें वो आज कम ही होगा। पृथ्वी पे जो भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया से लेके मैमल्स तक अगर हम देखें, तो सभी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं। हम आज उन्हीं विविधताओं के बारे में, उनके जेनेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को देख लें, या प्लांट्स में हम बार्ली देख लें, जो गेहूं के जो फल हैं उनके बारे में, या बहुत तरह की जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, उनके बारे में देख लें, या किसी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें, सब एक दूसरे से वैरी करते हैं। वैरी क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि इनके डीएनए में डिफरेंसेस हैं, जीन में डिफरेंसेस हैं, इस वजह से। उसी तरह एग्जांपल्स के तौर पे बहुत सारे एनिमल्स, चाहे वो डॉग हो, हनी बी हो, या फॉक्स हो, या पैरट्स हो, बर्ड्स कोई हो, या कोई फ्लावर हो, उन सभी के बीच में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो ये वेरिएशंस क्यों हैं, क्या कॉज है, किसकी वजह से ये होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये केवल जीन पे ही बेस्ड नहीं है, जेनेटिक्स एक एस्पेक्ट है उनका। उसके साथ इपिजेनेटिक्स, जो इन्वायरमेंटल या दूसरे क्यूज, वो भी अफेक्ट डालते हैं, और इनसे मिलके एक स्ट्रक्चर या एक ट्रेट बनता है, जिसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। इन्हीं पे बेस्ड, अगर इनमें वेरिएशंस आती हैं, किसी तरह का कोई अल्टरेशंस होता है जीन में, तो वो नॉर्मल से अलग हटके अगर बिहेव करता है, तो वो चीज़ें हमें डिजीज के फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं। तो इन पूरे पार्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी लेना चाहेंगे कि जीन के अलावा कैसे नेचर में कोई ऑर्गेनिजम्स अपने को अडॉप्ट करता है, कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, तो ये पूरा का पूरा डार्क दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि बहुत कॉन्स्पिक्यूस नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर वही पार्ट हम दूसरे इमेज में देखें, तो यहाँ पे हमें एक मॉथ देखने को मिल रहा है। ये है बिस्टन बिटलेरिया पेपर मॉथ, जो शुरुआत में इन्वायरमेंट के कॉज की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम थी। यूजली देखा गया शुरुआत के दौर में 1848 के आसपास मैनचेस्टर में, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उससे पहले जो ये ब्लैक मॉथ था, जो काले रंग का है जिसका स्ट्रक्चर्स, ये पार्ट वहाँ के इन्वायरमेंट में छिपा रहता था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, लेकिन ये भी नेचर में सर्वाइव कर रहा था। इसके अलग जो दूसरा पार्ट था, जो कि टिपिकल था, जो वाइल्ड टाइप था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस था, प्रोमिनेंट था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो स्मोक की वजह से वहाँ के इन्वायरमेंट में, पेड़ पौधों पे, सभी जगह पे काले जो धुएँ हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने लगे, तो उसकी वजह से ये पार्ट, जो टिपिकल पार्ट था, जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में था, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगा। तो जो इसके प्रिडेटर्स थे वो इनको बहुत इजीली कैप्चर कर लेते थे, और इस तरह से इनकी किलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, उसकी जगह इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लेकिन जब 1960s में एक लेजिस्लेशन लाया गया स्मोक कंट्रोल का, तो जैसे ही स्मोक को कम किया गया, ये पार्ट इनका फिर से बढ़ने लगा और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। तो ये एक एग्जाम्पल्स है कि कैसे जीन इन्वायरमेंट के साथ मिलके अपनी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकती है, वो उसको एक एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है।
उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मक्के का हमने यहाँ पे लिया है जिसमें तीन वैरायटीज दी गई हैं, स्पीसीज एक ही है लेकिन इसमें अलग अलग कलर्स हैं। इसमें वेरिएशंस को स्टडी किया था शुरुआत में बारबारा मैन क्लिंटॉक ने, इन्होंने मोबाइल एलिमेंट या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की खोज की थी जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आए, जेनेटिक वेरिएशन आए और अलग अलग तरह के कलर के हमें ब्रीड्स या मक्के के बीज हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह अगर हम ह्यूमन में देखें जेनेटिक वेरिएशन तो हम देखते हैं कि जो एशियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं या हम इंडियन में अगर हम देखें तो जम्मू से लेके अगर हम कन्याकुमारी तक देखें तो हमारे बीच में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये वेरिएशंस क्या है, जो डीएनए के सीक्वेंसेस है, जो चार बेसेस हैं ए टी सी जी, ये इन्हीं के वेरिएशंस में है। यहाँ पे इस पिक्चर देने का पर्पज था कि यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो ये सीक्वेंस वेरी कर रहे हैं, यही वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशंस के तौर पर देखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जेनेटिक वेरिएशंस क्यों हैं, तो इन जेनेटिक वेरिएशंस को हम क्यों स्टडी करें। एक हमारा और भी पर्पज कि विविधता है तो क्यों है और इसका स्टडी करने का पर्पज क्या हो सकता है। तो हमें जो बेसिक जेनेटिक मैकेनिज्म्स है वो जानने को मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, सर्वाइवल का एक मुख्य कारक भी है, की है, तो इसको भी अगर हम जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे सर्वाइव करें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या क्या उसका सिग्निफिकेंस है, तो हमें जेनेटिक वेरिएशंस जानना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन कब ऑपरेट करती है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे उसको वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, उस पार्ट को जानने के लिए भी हमें जेनेटिक वेरिएशंस स्टडी करना चाहिए। नेचर में कोई ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे अपने को सर्वाइव कर रहा है, अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो भी हमें जेनेटिक वेरिएशंस की स्टडी की जरूरत पड़ेगी। जो नेचर में डाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि घोड़ों के बहुत सारे ब्रीड्स हैं या डॉग्स के, कुत्तों के बहुत सारे ब्रीड्स हैं, बटरफ्लाई के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो ये सब नेचर में इतनी जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से है। इसके अलावा अगर हम अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखें जेनेटिक वेरिएशंस का, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग द कैंसर्स। अब क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक वेरिएशंस अगर इतना रोल प्ले कर रहा है तो ये कहाँ पे है, कैसे सेल, जो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस सेल में हर सेल का अपना, अगर वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में कॉन्स्पिकुअस नहीं है न्यूक्लियस, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं तो एक डेफिनेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और वो क्रोमोसोम्स हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू बने हुए हैं। उसके अंदर अगर हम देखें तो डीएनए आएंगे और ये डीएनए में जो बेसिस हैं ए टी सी जी वो अरेंज्ड हैं एक डेफिनेट फॉर्म में हर स्पेसीज में, वही वेरिएशंस ला रहे हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे इस वाले पार्ट पे कि इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। तो जो सोर्सेस हैं जेनेटिक वेरिएशंस के वो तीन प्राइमरी सोर्सेस हैं। पहला है वो म्यूटेशंस, जो डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो वाइल्ड टाइप या जिनके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है नेचर में, उसको हम लोग वाइल्ड टाइप कहते हैं, उससे अलग आ रही है और वो म्यूटेशंस ट्रांसलेट हो रहा है एक डेफिनेट प्रोटीन पे, अगर वो साइलेंट है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो म्यूटेशंस चेंज डीएनए में ला रहा है तब तो वो फिनोटाइप या ट्रेट पे अपना असर डालेगा, और अगर डालेगा तो जेनेटिक वेरिएशंस हमें फिर देखने को वहाँ पे मिलेंगी। तो जो ये वेरिएशंस है ये इवोल्यूशनरी कॉज के लिए भी, या जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है।
तो म्यूटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीन कॉज है। पहला म्यूटेशंस है, जीन फ्लो है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक जो वेरिएशंस लाए जा रहे हैं जीन में, जो रीशफलिंग हो रही है वो। तो ये तीन मुख्य कारकों के बारे में। पहला जो म्यूटेशंस है, ये डीएनए के अंदर चेंजेस हैं। यहाँ पे हमने डीएनए के एक स्ट्रक्चर्स को बनाया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब रेप्लिकेशंस के लिए मूव करता है, तो सपोज ये इसका ओरिजिनल बेसिस है, ये करेक्ट कॉपी है। अगर यहाँ पे एक इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, तो यहाँ पे ये रेड से दिखाया गया जो कि ग्रीन के पार्ट पे होना चाहिए था, तो अगर ये इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होता है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में, इसके बाद वाले जनरेशन में वो एक नई कॉपी बनाएगा अपना, और वो उसका म्यूटेंट कहलाएगा। तो कैसे ये चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। म्यूटेशंस कैसे हो गए, या तो डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा था उस समय वो एक्यूरेट उसका रेप्लिकेशन ना हो, उसमें किसी तरह का फेल्योर आए, या कोई एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है डीएनए में चेंजेस लाने के लिए। एग्जांपल्स के तौर पे अगर कोई केमिकल्स है, एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड गैस को, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में यूज किया गया था, ये डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड है, एथिल मिथेन है सल्फोनेट, एथिल इथेन सल्फोनेट। ये क्या करते हैं, डीएनए के जो बेसेस हैं उनके अंदर, उनके फॉर्म में जो मेथिल या कीटोन ग्रुप्स है उनमें चेंजेस ले आते हैं, और वो चेंजेस अगर उसी समय डीएनए का रेप्लिकेशन हो है, तो वो मिस मैच न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, या यूँ कहिए कि एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को इंक्लूड कर लेता है। उस वजह से म्यूटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह कुछ बेस एनालॉग है, जैसे कि 5-ब्रोमोयूरेसिल, अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें तो ये भी एक रॉन्ग पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ रेडिएशंस हैं, जैसे एक्सरे हुआ, यूवी रेज हुआ, ये भी रेडिएशंस की वजह से भी बेस में चेंजेस आते हैं, और वो रॉन्ग बेस पेयर की अगर एंट्री वहाँ पे हो जाती है तो वो भी एक म्यूटेशंस कॉज करेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिया है, ये डीएनए के चार बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जो आरएनए में हमें देखने को मिलता है। एडेनिन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है वो है NH3 अमीन ग्रुप। उसी तरह गुआनिन में CO ग्रुप या कीटोन ग्रुप है, थायमिन में कीटोन ग्रुप है, साइटोसिन में अमीन ग्रुप है, और यूरेसिल में कीटोन ग्रुप है। म्यूटेशंस होता कैसे, अगर मॉलिकुलर बेसिस पे हम इसको जानना चाहें, तो जो कीटो फॉर्म है CO डबल बॉन्ड O के साथ, वो COH इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये किस किस में मिल रहा है, गुआनिन, थायमिन, गुआनिन, थायमिन और यूरेसिल में। उसी तरह जो अमीन फॉर्म है, अमीनो, वो इमिनो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, NH2 की जगह वो NH बनाएगा, तो उसको बोलते हैं इमिनो। इमिनो फॉर्म में ये जाएगा तो भी ये रॉन्ग पेयरिंग करेगा, इसकी वजह से क्या होती है मिसमैचिंग। मिसमैचिंग कहाँ पे हो रही है, ATCG अगर इनका नॉर्मल पेयर अगर हम देखें तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करेगा डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एक जैसा। लेकिन अगर ये फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, कीटो से इनॉल जा रहा है या अमीनो से इमिनो फॉर्म में जा रहा है, तो एडेनिन जो कि अमीनो था इमिनो फॉर्म कन्वर्ट करेगा तो उसको टॉटोमर बोलते हैं। यहाँ पे ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है, थायमिन के बजाय साइटोसिन के साथ करेगा। उसी तरह थायमिन जो है एडेनिन के साथ ना करके वो गुआनिन के साथ करेगा, गुआनिन थायमिन के साथ करेगा, साइटोसिन एडेनिन के साथ मिसपेयरिंग करेगा। अब इस मिसपेयरिंग की वजह से म्यूटेशंस कैसे होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं इस पार्ट को हम लोग देखेंगे कि ए अगर रॉन्ग पेयरिंग कर रहा है टी के बजाय सी से, ए टी के साथ पेयरिंग है, लेकिन अगर टॉटोमेरिक फॉर्म आता है, ये अमीनो से इमिनो फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट होता है, तो
ए क्या करेगा, सी से पेयर करेगा और टी अपना यूजुअल ए से पेयर करेगा। लेकिन जो सी है वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जी से करेगा पेयर, और इस तरह से एक नया म्यूटेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो कि ए और टी का होना चाहिए था ये अपनी जगह पहले की तरह ही रहेगा ए टी से, लेकिन ये हमें यहाँ पे एक जी गया, और ये जी नेक्स्ट टर्न में अपना दूसरा जो अपना कम्प्लीमेंट्री इसका न्यूक्लियोटाइड है सी उससे करेगा। तो ए और टी के बजाय ये यहाँ पे हमें एक नया न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहा है जी सी के रेस्पेक्ट में। तो ये एक म्यूटेशंस हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक रॉन्ग एंट्री हो गई, ए और टी के बजाय यहाँ पे सी आया और सी अगले जनरेशन में जी ले रहा है और फिर इस तरह से वो अपना कंटिन्यू कर रहा है सी, उसके बाद फिर से जी, फिर सी, इस तरह से एक नया न्यूक्लियोटाइड आने वाले जनरेशन्स में इंक्लूड हो गया। ये जो नया न्यूक्लियोटाइड मिला ये हमारे जेनेटिक कोड को अफेक्ट करेगा और इस तरह से जो भी संबंधित अमीनो एसिड्स है वहाँ पे नया एक अमीनो एसिड आएगा और वो अमीनो एसिड्स एक रॉन्ग फिनोटाइप या एक रॉन्ग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से ये जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। दूसरा जो कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का, दैट इज़ जीन फ्लो। जीन फ्लो को जीन माइग्रेशंस भी हम लोग कहते हैं। ये पॉपुलेशन लेवल की स्टडी अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एग्जांपल्स के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है बीटल्स का कि एक पॉपुलेशन है बीटल्स की जो कि ग्रीन कलर की है, ठीक है। दूसरा जो पॉपुलेशन है दैट इज ब्राउन इन कलर। अगर ब्राउन कलर वाला ये एक इसमें से मूव करे और इस वाले पॉपुलेशन में वो आ गया तो वो क्या करेगा, दोनों में जो वेरिएशन है ये इसके साथ अगर यहाँ पे इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है वो यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाकी चीज़ें जैसे एज यूजुअल चलती वो चलेंगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और ये क्या करेगा, एक नया ब्रीड लेके आएगा ग्रीन और ब्राउन के बीच का, वो उसका हेटरोजाइगस कंडीशन होगा और फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेंडल्स के जो F2 जनरेशन है वहाँ पे वो सेग्रीगेट करेगा और 3:1 रेशियो में जैसे ही उसका एक रिसेसिव पार्ट आएगा वो अपनी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवर कर रहा है तो वो उसको वो बढ़ाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक वेरिएशन इस पॉपुलेशन में भी आ गई एक जीन के यहाँ पे फ्लो की वजह से या माइग्रेशन की वजह से। उसी तरह मियोटिक डिवीजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नेचर ने बहुत लॉजिकली इसको इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब इंट्रोड्यूस हुआ मियोटिक डिवीजन तो मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज आता है पैकेटिंग जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जीन की रीशफलिंग्स है कि जो स्पर्म और ओवम के बीच जो क्रोमोसोम्स है वो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो रेड और दो ब्लू क्रोमोसोम्स बनाए गए, ये आपस में ज्वाइन किए और ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये वेरिएशंस आए हैं कि कुछ आर्म्स में ब्लू के साथ रेड और रेड के साथ ब्लू पार्ट जुड़ा हुआ। ये एक तरह से सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कुछ पार्ट क्रोमोसोम का दूसरे के साथ अटैच हो रहा है, ये जीन की रीशफलिंग है। चूंकि जीन की रीशफलिंग वहाँ पे हुई तो वहाँ पे डीएनए सीक्वेंस में भी वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस जेनेटिक कोड के लेवल पे जाएंगे, फिर अमीनो एसिड के लेवल पे जाएंगे और फिर प्रोटीन्स। तो इस तरह से वो फिनोटाइप या ट्रेट के लेवल पे हमें वो देखने को वेरिएशंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक समझाने की कोशिश की है कि स्पर्म और ओव जो एक्सेल है वो फ्यूज करते जायगोट बनाते, जायगोट के बाद जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होगा उसके अंदर कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया इसमें दिखाया गया कि फादर जो है उसकी जो नाक है वो लंबी है और जो मदर है उसका जो आईब्रो है वो बसी है, थोड़ा ज़्यादा घना है। तो इनके बीच में क्रॉस होने पर इस तरह से जायगोट बनने के बाद जो उनका
ऑफस्प्रिंग सारा बेटा आ रहा है उसमें क्या है, उसकी नाक भी लंबी है और आईब्रो भी बसी बड़ा है। तो ये एक वेरिएंट है, ये ना तो फादर का पूरा करेक्टर है ना मदर का, दोनों के बीच का करेक्टर इसने लिया है, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी नाक भी लंबी है और आईब्रो भी बसी है, तो ये जेनेटिकली वेरी कर रहा है अपने पेरेंट्स से। तो 50% इनका पार्ट लिया, 50% मदर का पार्ट लिया, तो ये एक नया वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसा हमने बोला था कि ये वेरिएशंस क्यों आता है, मियोटिक डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर्स हो रहा है पैकेटिंग स्टेज में उसके लिए। ये यहाँ पे हमने एक एक्चुअल जो ट्रू फोटोग्राफ्स है क्रॉसिंग ओवर का वो लिया हुआ है, चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक है 10 माइक्रोमीटर का, उसको इनलार्ज करके माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पे जो एरो दिखाया गया ये पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर्स के, उसी को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू और एलाबोरेट करने की कोशिश की है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है ये क्रॉस ओवर्स बना रहे। तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर, हमने यहाँ पे एक क्रॉस ओवर्स दिखा रहा है और ये क्रॉसिंग ओवर के बाद ये पार्ट एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज में क्या आ गया, ब्लू के पास रेड आ गया और रेड वाले के पास ब्लू क्रोमोसोम्स का पार्ट चला गया। नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट होंगे और ये वाला पार्ट एज इट इज है, इसलिए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट पार्ट वाला जो है जेनेटिक वेरिएशंस ला रहा है, ठीक है, एक नया कैरेक्टर नया ट्रेट के साथ हमें देखने को मिलेगा। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं अगर हम उसमें देखें तो जेनेटिक वेरिएशंस के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है। नेचर में हम जहाँ कहीं भी देखें हर जगह हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये वेरिएशंस जैसा हमने बात की कि इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, कोई केमिकल भी हो सकता है, रेडिएशंस भी हो सकता है, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन फ्लो हो रहा है उसके द्वारा भी हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर या मियोटिक डिवीजन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा भी है। तो यहाँ पर हम आपको जो इसका आउटकम है रिजल्ट है हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर लर्नर या हर स्टूडेंट्स एटलीस्ट 10 वेरिएंट्स जो जेनेटिक वेरिएंट्स है आप नेचर में देखिए, चाहे वो प्लांट्स का देखिए चाहे किसी एनिमल्स का देखिए। एग्जांपल्स के तौर पे आप किसी गार्डन में जाइए और बटरफ्लाइज डिफरेंट देखिए, तो एटलीस्ट यू नोट डाउन 10 वेरिएंट्स किसी भी, चाहे वो आप डॉग्स ले लो 10 वेराइटी उनके आप देखिए, या फलों में देखिए या डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं फूल हैं उनके बीच में देखिए। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क के लिए रहेगा, क्वेश्चंस के लिए रहेगा कि आप स्टडी करिए और उसको नोट डाउन करिए। जो डिफरेंसेस हैं जेनेटिक और एनवायरमेंट उनके बीच में भी बहुत फाइन लाइन डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये आपको देखना है समझना है कि ये जेनेटिक वेरिएशन है या एक टेम्पररी वेरिएशन है जो केवल इन्वायरमेंट कंडीशंस के है। एग्जांपल्स के तौर पे हम आपको बताएं कि अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो विंटर्स में आपने देखा होगा कि जो लीव्स हैं प्लांट्स के उनके बीच उनकी जो या ब्लूमिंग है या कोई और कंडीशंस हैं वहाँ पे वो एक छोटे पीरियड के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए उनके बीच में चेंजेज आते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है वो फिर आ जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो गया, वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन होगा तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमें देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस भी आपको नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पे ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, हमें जो शुरुआत में हमारा ईमेल एड्रेस दिया था वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस या अपने जो ये वेरिएंट्स है हमें भेज के उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक वेरिएशंस। यदि आपका कोई क्वेश्चन है जैसे हमने बोला या आपको जो हमने ये यहाँ पे दिया है उसके बारे में आप अपने कमेंट्स अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल करके भेज सकते हैं और डेफिनेटली हम उसमें आपको रिप्लाई इंडिविजुअल केस पे या ज़रूरत पड़ी तो आपके डिमांड पे हम एक नया वीडियो फिर से अपलोड करेंगे। थैंक यू।